परम पूज्य आचार्य वर्धमान ठाकुर जी महाराज साहब, पूज्य रविंद्र कीर्ति जी महाराज साहब, प्रतिष्ठाचार्य हसमुख जी महाराज साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासा जी, हमारे राज्य मंत्री अर्जुन दामनिया जी, रघुवीर सिंह जी, श्रीमती प्रीति सक्तावत और समाज के अध्यक्ष दिनेश कोडनिया जी, शांतिलाल जी बेलावत, जमनलाल जी खपावत जी, त्रिवेदी जी जो हमारे वाइस चांसलर हैं, सज्जन देवी कटारा जी, विवेक कटारा, फूलचंद जी मीणा साहब और पूरे उदयपुर संभाग के पधारे हुए संभाग के श्रद्धालु बंधुओं, भाई और बहनों, यहाँ जितने उपस्थित हमारे आचार्य हैं, मुनि और साध्वीगण हैं, सबको नमन करते हुए मुझे खुशी है कि आज मैं एक ऐसे मौके पर हाजिर हुआ हूँ। तब प्राकृत भवन जो दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा उदयपुर में निर्माण करवाने जा रहा है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी और प्राकृत, एक बहुत ही शुभ काम है। इस अवसर पर मुझे याद किया, उसके लिए मैं आचार्य श्री वर्धमान ठाकुर जी महाराज साहब का, तमाम यहाँ उपस्थित भक्तगणों का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे अवसर दिया कि मैं इस मौके पर आऊँ और उसका शिलान्यास करूँ। अभी विचार सुने मैंने आचार्य श्री के, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, हमारी सरकार जब कभी चुनौती आई हमारे सामने, अभी दिनेश कुंडा जी कह रहे थे कोरोना के वक्त में भी आप सबके सहयोग से, प्रदेशवासियों के सहयोग से कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने, और राजस्थान का नाम, भीलवाड़ा का नाम देश दुनिया में गया, इतना शानदार प्रबंधन किया, ऑक्सीजन से यहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो कोई कमी नहीं रखी। आज ये समारोह है, आचार्य वर्धमान सागर महाराज साहब, मैं मिला था इनसे, दर्शन किए थे महावीर जी के अंदर, तब मैंने कहा था कि आप पधारो उदयपुर संभाग में, मैं वहाँ पर आपके बीच में वहाँ पर आपके स्वागत करने के लिए हाजिर होऊंगा। मुझे खुशी है कि आज जो वादा मैंने किया था वो मेरा वादा निभ पाया है और मैं आपके दर्शन करने के लिए, सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। जैन धर्म जो है दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में है। हम जो बात करते हैं महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो आप सबको मालूम है कि महात्मा गांधी जी खुद जो है गुरु बेचर जी स्वामी और श्रीमद् राजचंद्र जी उनके प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े थे बचपन के अंदर ही। और मैं खुद श्रीमद् राजचंद्र जी का जो आश्रम है गुजरात में, मैंने वहाँ भी जाके मैं आया हूँ, मुझे वहाँ सुकून मिलता है। और उस जमाने से महात्मा गांधी ने जो रास्ता अपनाया था, सत्य का, अहिंसा का, ब्रह्मचर्य का, अस्तेय का, अपरिग्रह का, मैं समझता हूँ कि वही रास्ता आज भी मानवता के लिए बहुत उपयोगी है। सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, ये भी गांधी जी ने कहा था। तो भगवान महावीर स्वामी जी थे, भगवान आदिनाथ जी से लगा करके भगवान महावीर स्वामी जी तक ने संदेश एक ही दिया, सत्य का, अहिंसा का। और मैं समझता हूँ कि आज देश को सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है, पूरे देशवासी भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर चलें, सत्य के, अहिंसा के, अपरिग्रह के, अस्तेय के मार्ग पर चलें, उसी से मानवता का कल्याण होगा, मानव का कल्याण होगा और हमारा मुल्क एक अखंड रहेगा, मजबूत रहेगा और देश और दुनिया की सेवा करने में तत्पर रहेगा। इस प्रकार की भावना हमारे मुल्क में रहनी चाहिए। मैं खुद जैन स्कूल पढ़ा हुआ हूँ बचपन के अंदर, प्राइमरी स्कूल मैंने जैन स्कूल से करी, श्री वर्धमान पाठशाला से करी। तो नमोहरण तारम और जितने ही आप देखते हैं नमोकार मंत्र,
वो तो हम लोगों ने बचपन से सीख लिए थे, प्रेरणा ले ली थी। और आज मुझे खुशी है कि उसी संदेश को लेके आज मैं राजनीति में जरूर आ गया हूँ, पर राजनीति में आने के बावजूद भी मैंने जो है जो भगवान महावीर के सिद्धांत थे जो गांधी जी ने अपनाए, और गांधी जी ने जिस प्रकार से देश की आज़ादी के अंदर अपनी भूमिका अदा करी, जब साउथ अफ्रीका में जाकर के अगर उन्होंने संघर्ष किया काले और गोरे लोगों के बीच में, तब भी भगवान महावीर के जो सिद्धांत थे सत्य अहिंसा का, उसके रास्ते में चल करके उन्होंने अपना जीवन बिताया, आगे बढ़े थे। और आज जो माहौल है देश के अंदर, मेरा मानना है कि उसमें आवश्यक है हम लोग उन्हीं के बताए हुए रास्ते में चलें। सरकारें बदलती रहती हैं, लोकतंत्र में हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है, ना होनी चाहिए। विचारधारा, हर पार्टी के सिद्धांत, नीतियाँ, कार्यक्रम क्या क्या है कल्याण के लिए, उसको अपना करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार राजस्थान के अंदर आप सबके आशीर्वाद से मुझे भी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, और मैं कह सकता हूँ कि तीनों कार्यकाल में, चुनाव चाहे हम चाहे जीते हैं हारे हैं, परंतु प्रदेश का चौमुखी विकास कैसे हो, प्रदेशवासियों को जनकल्याणकारी योजना का लाभ कैसे मिले, नई नई योजनाएं किस प्रकार से हम लोग ईजाद कर सके, अकाल सूखे पड़ गए थे तब भी हमने कमी नहीं रखी, आप मालूम है कि अकाल सूखे में कितनी तकलीफ होती थी लोगों को, गायों की सेवा करना एक बहुत बड़ा धर्म होता है, उसमें कोई कमी नहीं रखी, आज भी कमी नहीं रख रहे हैं। आज गौशालाओं को जो अनुदान दे रहे हैं, विभाग बना दिया गौशालाओं के अलग से राजस्थान सरकार ने, जो देश में कहीं पे भी नहीं है शायद। इस प्रकार से हर काम जो है सोच समझ के योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। 50,000 लोगों को हम लोग तीर्थ यात्रा में भेज रहे हैं, समय सीकर जी को जोड़ दिया उसके अंदर, जो जाना चाहे तीर्थ यात्री, बुजुर्ग लोग जाते हैं, इतनी खुशी होती है, सुकून मिलता है। तीर्थ यात्री जब जाने रवाना होते हैं, मैंने भी एक दो बार गया था स्टेशन पर विदा करने के लिए, तो माहौल देखने लायक होता है। तो हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। अभी महाराज श्री कह रहे थे जितने धर्मों के मंदिर राजस्थान में हैं उनका जीर्णोद्धार करने का काम भी मैंने बजट में घोषणा करी है, और वो काम भी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा, मंदिरों का भी, तमाम धर्मों के मंदिरों का भी। और मैं समझता हूँ कि सुझाव दिया गया है कि जो विचरण करते हैं उनको वास्तव में बहुत तकलीफ होती है, वैसे भी वो पदयात्री के रूप में चलते हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि ईश्वर की देन है, भगवान महावीर के सिद्धांत हैं कि आप पदयात्रा लंबी लंबी करके हमारे साधु संत गण, साधवी गण जो विचरण करते हैं उस पर समाज को गर्व है, और रास्ते में सुविधा मिलनी चाहिए। ये दिनेश कोडियारी जो सुझाव दिया है उसको मैं ध्यान रखूंगा, किस प्रकार से ये काम आगे बढ़ सकता है। सरकार और समाज, ये काम इतना बड़ा है, सरकार और समाज मिलकर ही कर सकती है। हर 20 किलोमीटर पे कहा गया है, 20 किलोमीटर हो, 30 किलोमीटर हो, पूरी योजना बने उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम लोग। पर समाज जब तक आगे नहीं आएगा, खाली सरकार इस काम को करने में, मैं समझता हूँ पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकती है। पर मैं दिनेश कोडियारी जी से बात करूँगा, और हम चाहेंगे कि कोई ऐसा स्कीम बन जाए जिससे कि उनको सुविधा रहे, हमें भी बहुत सुकून मिलेगा।